हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में फोड़ रहे होंगे। तो गाइस, ये अपनी सीरीज चल रही है एक्सरे कोर्स की। जिस एक्सरे कोर्स की सीरीज के अंदर अपन 14 वीडियोस कवर कर चुके हैं, उसके अंदर प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज एंड ऑल अपन कवर कर चुके हैं। तो अभी यहाँ बात आएगा गाइस कि बर्म स्टर्लिंग रेडिएशन क्या होता है। पिछले वीडियो में ये देखा था कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे क्या होता है। तो उस प्रोडक्शन के अंदर आपने को ये पता लगा था कि 1% एक्सरे प्रोड्यूस होती है, ठीक है गाइस, और बाकी तो 99% अपने को हीट देखने को मिलेगी। तो अभी आप बात करते हैं 1% एक्सरे की। तो जो ये 1% एक्सरे है ना, उसमें से उनको भी कैटेगराइज किया गया है। तो उनमें ये कौन सी है? ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन, ठीक है गाइस। तो इस ब्रह्मस्टर्लिंग को एक और नाम भी दिया जाता है, जिसको बोला जाएगा ब्रेकिंग रेडिएशन और जनरल रेडिएशन। ये दो नाम भी इसको अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख सकते हो। आपसे पूछ ले व्हाट इज ब्रेकिंग रेडिएशन, डिफाइन ब्रेकिंग रेडिएशन, तो आप ब्रेकिंग, जनरल और ब्रह्मस्टर्लिंग तीनों को एक ही चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये देखो वेरी कॉमन मींस एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर ये क्या है, वेरी कॉमन है, ठीक है गाइस। जैसे ये एक्सरे प्रोड्यूस हुई, ठीक है, ये देखो जिस टाइम ये, देखो गाइस जिस टाइम ये एक्सरे प्रोड्यूस हो रही थी, तो एक ये कंसेप्ट यहां होगा, ये अपने को न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, कोई भी एटम है, 1 2 3 ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपने को कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, कोई भी एटम की है, ठीक है गाइस। तो इस एटम के अंदर अभी क्या होगा, यहां से वो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना कैथोड से एनोड की तरफ, तो ये देखो गाइस कोई भी, जैसे अभी यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना आप, वो इलेक्ट्रॉन आया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है। ये जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जैसे इसमें एंट्री हुई इसकी यहां, और यहां होती इसमें अंदर एक बेंडिंग आ जाएगी, ठीक है गाइस। ये यहां से निकल के यहां चला जाएगा, क्या हो रहा है गाइस, यहाँ एक बेंडिंग आ गई, ये नेगेटिव चार्ज था, न्यूक्लियस के पास एक पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही एक चीज आपको पता होगा, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं तो वहां अट्रैक्शन होती है। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना यहाँ से, ये जैसे इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा था, जैसे ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज था ये सीधा जा रहा था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव था। तो जैसे इसके अंदर एंट्री हुई न्यूक्लियस के रीजन के अंदर आया, न्यूक्लियस के रीजन के अंदर आते इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है गाइज, क्या होगी, यहाँ एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। और इस डिफ्लेक्शन जैसे बोल सकते हो ये 70 इसके अंदर किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी थी, और यहां जैसी डिफ्लेक्शन हुई इसकी, मान के चलो ये अब एनर्जी रहेगी 40 की, ठीक है गाइस, 40 किलो वोल्ट यहाँ एनर्जी रहेगी। और जो बाकी जो यहां भी क्या बच गया, 30 किलो वोल्ट जो एनर्जी थी वो किस में प्रोड्यूस होगी, अपनी एक्सरे में। और जो इस एक्सरे को क्या बोला जाएगा, ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन। ये कंसेप्ट है गाइस इसका। इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के रीजन में या उसके कांटेक्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा, फुल स्पीड में होगा, वो भी वहां से निकल रहा होगा, जैसे निकलेगा उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव न्यूक्लियस पॉजिटिव दोनों के कारण अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के कारण वहां बेंडिंग आएगी, और बेंडिंग के आने के कारण कुछ एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन। ये है गाइस छोटा सा कंसेप्ट ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन का, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेकिंग और जनरल रेडिएशन, और ये प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में मोस्ट कॉमन है। वही अभी क्या होगा गाइस, ये जो 40 वाली है ना, ये कहीं किसी और के साथ टकराएगी, किसी और के साथ टकराएगी, तो इसकी ये लास्ट में ये वहां खत्म हो जाएगी, ठीक है। इट मींस इसका ग्राफ अपने को डाउन में ही जाने को देखने को मिलेगा। अगर आप इसका देखोगे ना इस तरह होगा, तो आपको ये डाउन वाला ये कुछ इसका एक सीन देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन का। आई होप ये टॉपिक आपको कवर हो गया होगा बहुत ईजी तरीके से। अगर आप गूगल्स पे या यूट्यूब वीडियो पे आर्टिकल वगैरह देखोगे तो उनसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेक्टरिस्टिक रेडिएशन के बारे में उस वीडियो के अंदर बात करेंगे। गाइज इसके आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप गूगल पे जाकर डॉक्टर इंशाइट एकेडमी सर्च करोगे तो वहां आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे यूट्यूब देखने को मिलेगा, फिर सेकंड नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, थर्ड पे फिर आपको अपना इंस्टाग्राम देखने को मिलेगा, साथ में लिंक्डइन।